तो इधर देखिए दोस्तों, और एक रूम में आ गया विष्णु दा का। ये बहुत बड़ा साइज का एलिगेटर गार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा गोल गोल बॉल जैसा होता है, मतलब किंग कॉन्ग का छोटा वर्जन। और ये वाला का नाम क्या है? ये तो फायर ईल। ईल ऑस्कर का टैंक देखिए इधर, ऑस्कर का क्लाउन नाइफ। क्लाउन नाइफ ज्यादा पाई में पाक, यहाँ पे एल्बिनो पाक हुए। कितना कौन सा मछली है यहाँ पे? ऑरेंज बैंड दुबोसी है, ये ब्लैक व्हीट है। हाँ। और सामने वाला का है नाम क्या है? रेड फ्लैगटेल। रेड देखिए दोस्तों, पापर पीस है इधर, जियोफेगस का वैरायटी। और सर डॉलर भी रखते हैं? हाँ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई देखिए दूर से व्यू, देखिए आप लोग क्या लग रहा है। देखिए आप लोग अजूल आया हुआ है, अजूल छोटा साइज में। ये फ्लोरिडा गार है। इधर है मोटोरे, मोटोरे स्टिंगरे है। टैंक में देखिए दोस्तों, इसमें है अरवाना है और रॉटकल सेब्रम है, रेड स्पॉटेड सेब्रम है। ये बहुत एग्जॉटिक्स में पड़ता है, प्लैटिनम। और लास्ट टाइम भी देखे थे मेरा। देखिए और भी स्टिंगरे है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैरेट वैरायटीज है, यहाँ पे बहुत वैरायटीज का पैरेट है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश और आप लोग देख रहे हैं आकाश ब्लॉग एंड बिट्स यूट्यूब चैनल। तो फिर से आ गए और एक नया वीडियो लेके दोस्तों, एक्वेरियम मछली के ऊपर वीडियो लेके मॉन्स्टर मछली का कलेक्शन इसी वीडियो का माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। तो और अभी जो फ्रेंड चैनल में नया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाए नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। आप लोगों का सब्सक्राइब, आप लोगों का स्वाद दोस्तों सब कुछ जरूरत है। तो देख लेते हैं आज का कलेक्शन, सबसे पहले उनका साथ परिचय कर लेते हैं। नमस्कार विष्णु भैया, आप कैसे हैं बताइए? सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। और हाँ, अभी कुछ नया फिशेज, मॉन्स्टर फिशेज वैरायटी आ चुका है, तो इसलिए मकाल सर को कॉल किया, चलो बहुत दिन से आया नहीं हो। तो बगस भाई गया था हॉलीडे पे बांग्लादेश घूमने, तो इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही लौटा है। तो मैं बोला चलो एक बार आ लो, मेरा जितना स्टॉक है उसका कवर कर लो। तो आकाश भैया आया है वीडियो बनाने के, अभी जितना बड़ा बहुत वैरायटी इसका मॉन्स्टर फिश आ चुका है इस बार, और भी एग्जॉटिक्स में बड़ा साइज में भी, तो वो भी देख लेते कौन सा फिश आ चुका है। अब इसको बताइए आपका ये लोकेशन कहाँ है? ये लोकेशन है मेरा नरेंद्रपुर पड़ता है। अच्छा, अभी किसी को नरेंद्रपुर नहीं पता है तो सोनारपुर बहुत जंक्शन है, स्टेशन है, हर किसी को पता है। सोनारपुर से पहले वाला स्टेशन पड़ता है नरेंद्रपुर। ओके, और अगर कोई हावड़ा से आना चाहते हैं तो? हावड़ा से आना है तो बाई रोड आना है, तो गूगल में तो मॉन्स्टर फिश रोड सर्च कर सकते हो, वहाँ पे लोकेशन मिल जाएगा। एंड किसी को बाई ट्रेन आना है तो हमको कॉल कर सकते हो, नहीं तो हावड़ा से तुमको सियालदह आना पड़ेगा, सियालदह से तुमको ऐसे कोई भी ट्रेन मिल जाएगा, वो ट्रेन चल कर आ भी सकते। आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए 7595967792। ये मेरा वो व्हाट्सअप नंबर भी, ये नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉलिंग एंड व्हाट्सअप बोल। हाँ हाँ बोल। ओके, तो ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम लोग कलेक्शन। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आज का वीडियो में बहुत सारे कलेक्शन देख पाएंगे, यूनिक वाला कलेक्शन आप लोग देख पाएंगे। और तो देख लेते हैं कलेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैरेट वैरायटीज़ है, यहाँ पे बहुत वैरायटीज़ का पैरेट है। येलो टाइगर पैरेट, रेड टाइगर पैरेट, नॉर्मल रेड पैरेट, येलो हार्ट शेप पैरेट। सामने वाला का नाम है ये हार्ट शेप। हार्ट शेप, हाँ। देखिए टेल नहीं है, हाँ टेल लेस। और ये वाला है टाइगर पैरेट, रेड टाइगर पैरेट, रेड टाइगर पैरेट। हाँ, ये सब मछली का, सारे मछली का इंच क्या है? ये अप्रॉक्स 3.5 to 4 inch का है। अच्छा, ये जो टैंक है इसका अंदर में और भी तो मछली है? हाँ, इसमें डॉलर है, डॉलर वैरायटी है कुछ। अच्छा, सिंगल बैंड डॉलर एंड रेड हुक डॉलर। हाँ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं करता, नहीं कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, वो स्पॉन्ज फिल्टर लगा के रखा है? हाँ हाँ एकदम। और एक ये नया पैरेट आया हुआ है, जैसे ये वाला येलो, हाँ येलो एंड ब्लैक पैरेट आया हुआ है, इसका भी अप्रोक्स साइज 3.5 inch। और ये वाला का नाम क्या है? ये भेजा मार्वल वेनस स्टेटस, मार्वल वेनस स्टेटस। हाँ, ये भेजा में पड़ता है सिग्नल ग्रुप में। ये सारे जो पैडल है अभी जो कैग मतलब कीमत में छोड़ेंगे अभी यहाँ पे जितना फेरेट वैरायटी है सब अलग अलग प्राइस का है। सब सबसे यहाँ पे लो रेंज का जो है रेड पैरेट है, उसके स्टार्टिंग प्राइस हम बता सकते हैं 280 से स्टार्टिंग प्राइस है। 280 से स्टार्टिंग प्राइस है। अभी जिसका टाइगर पैरेट जाओ पर पीस से रिटेल प्राइस, हाँ एकदम। और आपका जो पकड़ लो जो टाइगर पैरेट, येलो पैरेट जितना भी है ना, तो सबका अलग अलग रेट पड़ता है। हाँ, उसके लिए आप कोई किसी को 280 से स्टार्टिंग। हाँ,
अच्छा अगर कोई लेंगे तो ज्यादा क्वालिटी के लेंगे तो थोड़ा ऑब्वियसली हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा कितना क्वालिटी ज्यादा लेना पड़ेगा मतलब? तो मिनिमम 5000 का ऊपर बिल बनाना चाहिए तभी होलसेल प्राइस हम लोग को पड़ता है। 5000 का ऊपर हाँ तभी होलसेल प्राइस उसको देना है। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग पॉसिबल। ओके नेक्स्ट कलेक्शन क्या दिखाएंगे अभी? हां और एक पैरेट वैरायटी दिखाएंगे। और एक पैरेट हां उससे थोड़ा बड़ा साइज का मैं एक्स्ट्रा 6 to 7 inches को बोनसाई पैरेट कहते हैं। ये वाला ना? हां बोनसाई पैरेट पूरा गोल गोल जैसे बॉल जैसा होता है मतलब किंग कॉन्ग का छोटा वर्जन। हां एकदम 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 सही बोल सकते हो। अब ये सब देखो पूरा गोल जैसा लगे एकदम सब ड्राई फ्रूट खाता है और कुछ नहीं खाते? नहीं सिर्फ ड्राई फ्रूट। ओनली ड्राई फ्रूट। पैरेट जितना है वैरायटी सब ड्राई फ्रूट्स का। कितना टाइम फीडिंग कराते हैं आप? एक टाइम हम लोग एक ही टाइम कराते हैं। जो हॉबीज वगैरह है वो लोग दो टाइम करा सकते हो जो लेके जाके। और क्या दिखाएंगे दादा अभी? अभी उसके बाद चला जाएगा प्लैटिनम गार्ड जो सबसे एक्सपेंसिव में पड़ता है एंड आपका एग्जॉटिक्स में भी पड़ता है। ये बहुत एग्जॉटिक्स में पड़ता है प्लैटिनम। और लास्ट टाइम भी देखे थे मेरे पास 15-16 इंच का था। अभी इसका साइज है 9 to 10 inches का भी आया हुआ है। तो बहुत एक्सपेंसिव बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ इसमें एक फ्लोरिडा गार भी है। फ्लोरिडा गार है एकदम। अब ये रेड स्पॉटेड है। रेड स्पॉटेड सेवरम। हां और ये वाला ए फोंटोसा है। ब्लू फोंटोसा ब्रुंडी। ब्रुंडी हां। सब सारे मछली का इंच का है मतलब ये जो फोंटोसा जितना है 6 टू 7 इंच का है वैरायटी। एंड जो सॉरी फोंटोसा सेवरम सॉरी शॉर्ट के रेड स्पॉटेड जितना है यहां पे 6.5 इंच का है। अच्छा आपका फोंटोसा जो है 5.5 इंच का है। अब दूर से एक बार पूरा टैंक का व्यू लो सबसे अच्छा वही लगेगा। देख और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और नीचे भी बालू है ना? हाँ सैंड है। सैंड सैंड है टाइप का। महंगा सैंड है क्या? हाँ थोड़ा महंगा पड़ता है। एक फुट का है एक्वेरियम का? ए 4x18x18। ओके टैंक में देखिए दोस्तों इसमें है अरवाना है और कुछ है अरवाना हाँ वुल्फ फिश। सामने वाला सेनेगल 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 राइट एंडली चेरी सेनेगल। सामने वाला एंडली चेरी स्नेगल है और ये मार्बल फिनेस्ट्रेटस। मार्बल फिनेस्ट्रेटस ग्रीन स्नूक। ग्रीन स्नूक ग्रीन स्नूक है। हाई टाइम रेड स्नूक आता है इधर ग्रीन स्नूक आया है। ये वाला पाइक रेड पाइक। हां रेड पाइक है इधर। और ये सब अरवाना देखिए। अरवाना का नाम बताइए। गोल्डन क्रॉस बैग है। गोल्डन क्रॉस बैग अरवाना है। और उधर है एल्बिनो। एल्बिनो रेड आई। एल्बिनो रेड आई अरवाना। ठीक है ये टैंक में इतना ही मछली है और सारे मछली सेलिंग के लिए है। हाँ सारे सेलिंग का ही। सारे मछली अभी सेलिंग के लिए रखा है दादा। और उसका बाद हम लोग कलेक्शन देख लेते हैं स्टिंग रे का। स्टिंग रे का कलेक्शन हम लोग देखेंगे। इधर है मोटोरे। मोटोरे स्टिंग रे है इधर। और उधर देखिए वो भी मोटोरो ये छोटा साइज का मोटोरो है। और ये है मोनोकुलस नहीं अजूल। अजूल है। अजूल है इस बार आया हुआ है। अजूल छोटा साइज में। सेलिंग के लिए है। आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसको जो लेना है कॉन्टेक्ट करिए आप लोग। और ऑल ओवर इंडिया शिपिंग पॉसिबल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और उसका बाद हम लोग देख लेते हैं ऑस्कर का कलेक्शन। ऑस्कर का टैंक देखिए इधर। ऑस्कर का कलेक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए बहुत सारे मिक्स्ड ऑस्कर है इधर। मिनिमम इधर 1 foot का ऊपर ऑस्कर हाँ, भी हाँ, है हाँ, पीछे हाँ, है एक देखिए। और सामने वाला ऑस्कर का नाम बताइए। ये मैंगो ऑस्कर है। ओके और ये वाला कॉपर। और ये वाला ये टाइगर ऑस्कर है। टाइगर ऑस्कर सारे ऑस्कर का मतलब ये जो मिनिमम प्राइस क्या है
यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 650 है। 650 से स्टार्टिंग प्राइस कितना इंच का पड़ेगा आपका? 6 to 7 inch का। 6 to 7 inch का 650 से स्टार्टिंग। और ये आपके लिए? हाँ नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, ऐसे ही एक जो बहुत बहुत बाकी चीज़ को बहुत मार रहा था वैसे इसको कम्युनिटी टैंक में डाला। जियोफेगस, जियोफेगस का वैरायटी और है लोचेस का। हाँ ये देखिए यहाँ पे और एक बहुत एग्जॉटिक फिश आया हुआ है, पफर, पफर फिश। ये देखिए दोस्तों पफर फिश है। इधर कितना पीसेस है पड़ा हुआ है अभी? 4 pieces ही ऑनली है। ओनली 4 pieces। हाँ। और ये वाला का नाम क्या है? ये तो फायर ईल। ईल? हाँ फायर रेड ईल। फायर रेड ईल। और जियोफेगस का मिनिमम इधर प्राइस क्या है दादा? यहाँ पर मिनिमम प्राइस है 750 का। हाँ यहाँ पे सुरीनाम इंचेस है, उसका अप्रॉक्स साइज है 4.5 inch, वो पड़ेगा 750 पर पीस का। और पफर तो सेलिंग के लिए है? हाँ सब सेलिंग के लिए, पफर भी सेलिंग के लिए है दोस्तों। और ये बालू देना क्या है, ये मतलब मैंडेटरी है क्या? जियोफेगस सर सैंड देने से क्या होता है ना, ये लोग थोड़ा अच्छा रहता है, उसे बालू सैंड लेके मुँह में लेता है फिर फेंकता है, उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ यही है। और ये लोचेस का नाम भूल गया, क्लाउन लोच है बड़ा साइज का। क्लाउन लोच इधर है दोस्तों, क्लाउन लोच बड़ा साइज का। हाँ और क्या देखेंगे अभी? सोंडोसा, सोंडोसा ये वाला टैंक कवर कर लेता हम लोग। तो अभी हम लोग देख लेंगे बहुत बड़ा साइज का मछली। इधर देखिए बहुत बड़ा बड़ा साइज का मछली है। इधर रिप्स ऑफ एंट्री है, इधर जितना फिशेस है ना सब 18 इंच प्लस का फिश है। अच्छा क्लाउन नाइफ, क्लाउन नाइफ एरापाइमा भी है, एरापाइमा पीछे सामने सब। हाँ सामने भी है। हाँ हाँ दो एरापाइमा इसमें। हाँ दो है एरापाइमा भी है। देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज का मछली है। एक बार एल्बिनो रेडा अरवाना का चेहरा देखिए कितना बड़ा है। ये सब मछली सेलिंग के लिए है, मतलब अरवाना भी सेलिंग के लिए। हाँ, तो नहीं है ना? नहीं सब सेलिंग के लिए, सब सेलिंग के लिए, सब सेलिंग के लिए है। और ये फ्लोरिडा का। हाँ फीडिंग भी ना हो गया? नहीं आज आज फीडिंग नहीं हुआ अब तक, फीडिंग होगा थोड़ा देर बाद। देखिए दूर से व्यू देखिए आप लोग क्या लग रहा है, देखिए आप लोग। ओके और क्या दिखाएंगे अभी? अभी नीचे आ गया फ्रंटोसा दिखाना है। फ्रंटोसा, हाँ ये देखिए विडो फ्रंटोसा है ना, ये ब्रूंडी, इससे ब्लैक विडो है, ये ब्लैक विडो है, ये ब्लैक विडो है। हाँ हाँ और सामने वाला का नाम क्या है? रेड फ्लैग टेल। रेड फ्लैग टेल ये आपके लिए? ये तो मेरा ही। यहाँ पे 2-3 टाइप का फ्रंटोसा, इस बार नया कुछ बड़ा बड़ा फ्रंटोसा आ चुका है, हेड वाला, फुल हेड एकदम हम वाला। हाँ और ये वाला का नाम क्या है? ये तो मार्वल वेनस स्टेटस। फ्रंटोसा मिनिमम प्राइस कितना से शुरू होते हैं? अभी देखो जितना है ना यहाँ पे सब जंबो साइज में, छोटा में कुछ नहीं है। जैसे इसके रेड स्पॉटेड शिवराम का टैंक में जो था, हाँ। तो वही अभी है छोटा में, तो उसका स्टार्टिंग प्राइस पड़ता है 2,800 से। और इधर ये वाला का नाम क्या है? कौन सा वाला पत्थर है? हाँ वो एक पत्थर है। और एक भी फेदर भी है ना? हाँ ब्लैक घोस्ट है उसमें एक तो। और ऊपर चले जाते हैं हम लोग, इधर देखिए इधर जो जो मछली है, ये मछली का नाम पूछ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एल्बिनो पाकू है, पाकू। हाँ एल्बिनो पाकू कोई भी मॉन्स्टर से रखता है। बाकी चीज़ें यहाँ पे वेजा का कुछ ग्रुप है, ये मार्बल फिनास्टेटस है। मार्बल फिनास्टेटस ये भी है कि यहाँ पे एक तो है, क्योंकि इसको सब टैंक में अलग अलग हम रखा हुआ है, बिकॉज ये लोग एक साथ रहने से बहुत मारा पीटी करता है। हाँ और इसका नाम ये हेड वेजा हेड्रोस्पिला, हेड्रोस्पिला, हेड्रोस्पिला। हाँ ये भी वेजा ग्रुप में पड़ता है। पाकू का प्राइस क्या गिरेगा दादा? पाकू का अप्रोक्स प्राइस ऐसे बहुत ज़्यादा हाई रेंज तो इसका प्राइस नहीं होता है। अच्छा। ये मैक्सिमम इसका साइज है 7 inch का। अच्छा। तो 350 to 400 का अंदर होता है। हो जाएगा। रूम में आ गए हम लोग और ये रूम में बहुत सारे मछली भी है, सब मॉन्स्टर ग्रुप का भी मछली है। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इधर सिल्वर अरोरा, सिल्वर अरोरा का कलेक्शन, पाइक, रेड पाइक है इधर, किंगकॉन्ग पैरट, किंगकॉन्ग पैरट भी है इधर, और इधर सारे भी सारे मछली इधर सेलिंग के लिए, राइट? हाँ सब सेलिंग के लिए, सब सेलिंग के लिए है। कितना बड़ा बड़ा साइज का मछली है देखिए, उनका पास जो भी मछली मिलेगा सब बड़ा साइज का ही मछली मिल जाएगा।
और इधर देखिए, इधर भी अरवाना रखते हैं। इधर ये सब आरती बंजार है, बंजार हाँ, ये होटल बंजार, ये होटल बंजार, गोल्डन पर्ल, गोल्डन पर्ल हाँ, अरवाना अरवाना, ये न्यू थोड़ा यूनिक है, यूनिक है। और ये वाला का नाम क्या है? ये आपका आ गया आरटीजी क्यों फॉर्म का, क्यों फॉर्म हाँ। इधर चले जाते हैं हम लोग, इधर देखिए, जैसे लास्ट टाइम दिखाया था हम लोग से, वो बोला था ना जो फ्रेश वाटर मैरीन फिश, हाँ सेम चीज फिर से आ गया हम लोग के पास स्टॉक का भी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए आप लोग, ये साइज क्या है एक्वेरियम का? ये एक्वेरियम का साइज है 4x2x2, 4x2x2 हाँ। कितना कौन सा मछली है यहाँ पे? ऑरेंज बैंड दुबोसी है, ये लिलूपी है, सामने वाला लिलूपी, कौन सा येलो वाला जो छोटा छोटा, अच्छा लिलूपी, लिलूपी लिलूपी हाँ। और ये वाला ये येलो बैंड दुबोसी, और ये सब ये है फ्रंटोसा, फ्रंटोसा छोटा साइज, छोटा साइज फ्रंटोसा है। एंड आपका यहाँ पे दो टाइप का फ्रंटोसा है, ऐसा ब्रूंडी भी है, ब्लैक विडो भी है, ब्लैक विडो भी है। यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज दुबोसी भी है, जस्ट कुछ दिन पहले काम्फा है, एक ये है काम्फा, एक काम्फा इसका कलर देख सकते हो साइड में, हाँ माय गुडनेस देखिए कलर बहुत ही अच्छा है देखिए। और इधर भी अरवाना है, हाँ ये भी गोल्डन पर्ल ही है, वो छोटा सा बड़ा है देखिए। और भी स्टिंगरे है, स्टिंगरे का वैरायटी अभी मतलब ये शिपमेंट में ज़्यादा आया, ज़्यादा आया हुआ है हाँ। इधर कौन सा स्टिंगरे है? ब्लैक डायमंड हाइब्रिड, ब्लैक डायमंड हाइब्रिड हाँ। ये है फ्लावर स्टिंगरे, फ्लावर स्टिंगरे हाँ। और ओपे पीछे पर्ल स्टिंगरे, पर्ल स्टिंगरे, ये भी फ्लावर स्टिंग रही है, अभी पर्ल स्टिंग रही है, पर्ल स्टिंग। अरे ये फ्लोरिडा गार का छोटा बच्चा है, फ्लोरिडा गार का छोटा बच्चा हाँ। अच्छा इसमें बड़ा बड़ा देखे थे, जिसका छोटा है, छोटा। बाकी इसमें एल्बिनो अरवाना वगैरह है, एल्बिनो अरवाना है, एल्बिनो छोटा। और इसमें हाई बैग भी है कियानो फार्म का, उधर है हाँ, इधर ना हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला। ये स्टिंगरे का प्राइस क्या चल रहा है छोटा साइज का? छोटा यहाँ पे जितना है ना एग्जॉटिक्स में, तो सब हाई रेंज का ही है, हाई रेंज हाँ, सब हाई रेंज का स्टिंगरे इसमें। ओके तो इधर देखिए दोस्तों, और एक रूम में आ गए विष्टुदा का, और एक रूम में और भी मछली है, तो ये वाला टैंक पहले कवर कर लेते हैं, उसका बाद नेक्स्ट कलेक्शन हम लोग देख लेते हैं। इधर देखिए रेडटेल कैटफिश है, इधर रेडटेल कैटफिश यहाँ पे जितना है 15-16-18 इंच का रेडटेल कैटफिश है। अच्छा, और इसमें जो सोवेल नोज कैट है वो 2 फीट का है, 2 फीट का हाँ, 2 फीट का ये वाला ना हाँ हाँ हाँ, 2 फीट का कलर देख सकते हो गोल्डन एरोना का, एक बार मतलब जब मूव करेगा साइड से हाँ, अभी कलर देखो उसका सीधा, बहुत ही अच्छा है, कलर एनहेंस कर रहा है देखिए। और सारे मछली इधर सेलिंग के लिए है, आप लोग जिसको जो लेना है कॉल करिए उनको, कॉलिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले में मिल जाएगा आप लोगों को। और भी देखिए कलेक्शन, ये बहुत बड़ा साइज का एलिगेटर गार है, एलिगेटर गार, एलिगेटर गार है ये देखिए, एक ब्लैक एक वाइट में है, बट ये दोनों ही नॉर्मली एलिगेटर गार ही है। अच्छा, और थोड़ा कलर चेंज है, थोड़ा कलर चेंज हाँ, ये 2 फीट का ऊपर हो जाए हाँ, ये 2-2.5 फीट है प्लस। और ये वाला, ये भी सेम ही साइज है, सब सेलिंग के लिए है, सब सेलिंग के लिए। ज़्यादा से कोई बड़ा गार लेता नहीं है, तब भी हम रखते हैं क्योंकि मेरा पूरा बड़ा बड़ा मॉन्स्टर फिश का काम है, इसीलिए हाँ इसीलिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, कौन सा पार्ट कौन सा मछली अच्छा लगा वो भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते।
तो जिसको मॉन्स्टर मछली पसंद का है तो आप लोग शेयर कीजिए ये वीडियो, और ठीक है चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना जो नया देखे वीडियो। हाँ राइट तो मेरा बात उन्होंने बोल दिया, तो ठीक है दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही था, और आप लोग भी दोस्तों स्वस्थ रहिए, अच्छा से रहिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय।